सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी ढोकले की रेसिपी। और वैसे मेरी एक सब्सक्राइबर है आरती, उन्होंने मुझे अपने ढोकले की रेसिपी शेयर करी थी इंस्टाग्राम पर कि आप ना इंस्टा ढोकले की रेसिपी मैं दूसरों तक शेयर करूं। तो उन्होंने मुझे ढोकले की रेसिपी शेयर करी इंस्टाग्राम पर। आप लोग भी चाहते हैं तो मैं आप लोग भी मुझे अपने इंस्टाग्राम पर छोटी छोटी रेसिपी शेयर कर सकते हैं जिनको मैं अपने वीडियो में डालूँगी और लोग भी आप लोगों के देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो ढोकला है वो डाल ढोकले की जो रेसिपी के लिए मैंने लिया है यहाँ पर बेसन। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सिंपल लिविंग विद रिंगल जैन। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग, मैंने देखा है कि आप लोग बिना सब्सक्राइब करे देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, और जो सब्सक्राइब करते हैं वो तो देखते ही हैं और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़्यादा देखते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने बेसन के बाद में डाल दिया है थोड़ा सा नमक। और अब मैं डालूँगी यहाँ पर हल्दी पाउडर। और एक बात याद रखिएगा, हल्दी थोड़ी थोड़ी सी डालनी है आप लोगों को, ज़्यादा आप लोगों को डालनी नहीं है। और मैंने यहाँ पर डाली है थोड़ी सी चीनी, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चीनी ऐड करी हुई है जिससे बहुत एक खट्टे से बन जाते हैं, खट्टे मीठे से बनते हैं जो ढोकले होते हैं, थोड़ा सा मीठा सा फ्लेवर आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी चीनी ऐड करी है, उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड करी है हल्दी। तो बस यही है, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इससे। और इसके बाद तो गैस यहाँ पर मेरी जो मैंने जो बेसन लिया था उसको मैंने मतलब अच्छी तरह से ऐसे फैट लिया है। अब इसमें डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके पानी, ताकि जो पानी है वो अच्छी तरह से मतलब पेस्ट बनने के काम आए। एकदम से डालेंगे तो बबल्स ज़्यादा उठते हैं। इसमें थोड़ा सा खाना सोडा डालना है, अगर आप लोग डालना चाहते हो तो डालिए, बहुत अच्छे सॉफ्ट बनते हैं उससे और स्पंजी से बन जाते हैं। और चाहे तो आप स्किप भी करिए, बट मैंने खाना सोडा डाला था, आपकी मर्जी है आप किस तरह से ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पर देखिए, हमने ये जो बेसन है मैंने थोड़ा पानी डाल दिया, फिर उसे मिला लिया है। अब मैं डालूँगी थोड़ा सा और आप लोग भी मुझे शेयर किया करिए कि आप लोग किस तरह से बनाते हो। और आप लोगों ने कल मुझे उस रेसिपी की जो थी ना, उस रेसिपी की दाल ढोकली करके आपने मुझे बताया था कि दाल ढोकली बोलते हैं, तो मुझे थैंक यू सो मच। किसी ने बताया दाल दुल्हन बोलते हैं, किसी ने बताया दाल ढोकली बोलते हैं, तो थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट करा और मुझे ना उसका नाम बताया। मुझे एक्चुअली में उसका नाम पता ही नहीं था कि क्या बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया ना तो मेरी मम्मी क्या बनी है वो ना मेरे ससुराल में बनी है। तो फिर मुझे फर्स्ट टाइम मैंने इंडियन मोमेंट ड्यूटी के चैनल से देख कर मैंने ये बनाई थी, तो मुझे नाम बिल्कुल याद ही नहीं रहा क्या था उन्होंने क्या नाम बताया था। तो यहाँ पर देखिए मेरा पेस्ट बन चुका है, इतना ही गीला और इतना ही रखना है। मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ एवरटीन की बिकनी लाइन हेयर रिमूवर क्रीम, जो कि मेरी फेवरेट है। और इसका काम है आपके अनवांटेड हेयर को रिमूव करना, जो कि 5 मिनट के अंदर ये कर देती है। साथ ही नो इचिंग, नो डार्क स्किन, काफ़ी सारी चीज़ों में ये हेल्प करती है आपके ख़त्म करने में। इसको बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन में जाकर बाय कर सकते हैं। ये आप लोग के बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगी। ये क्रीम एवरटीन की है, जो कि आपके इंटीमेट हाइजीन से कनेक्टेड आपके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है और साथ ही साथ आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती है। ये आपके ऑल टाइप स्किन के लिए है, तो आप जाकर बाय कर सकते हैं। लिंक मैंने कॉमेंट सेक्शन में प्लस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर बाय। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ढोकले का स्टैंड और अब इसमें थोड़ा सा मैं रिफाइंड लगा लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ढोकले का स्टैंड लिया है और जो मैंने पेस्ट बनाया था वो मैंने लिया हुआ है। और इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा खाना सोडा डाल दूँगी, थोड़ा सा, और यहाँ पर बेकिंग सोडा मैंने यूज़ करा है। आप लोग खाना सोडा भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा यूज़ कराया है क्योंकि उसका डिब्बा रखा है ना, इसलिए मुझे याद आ गई। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से फैट लूँगी। जब आपको एकदम बनाने रखना है ना, तभी आपको बेकिंग सोडा डालना है, पहले से नहीं डालना है आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। और हल्दी थोड़ी सी क्वांटिटी कम लीजिएगा, मैंने थोड़ी ज़्यादा ले ली थी, बस आपको थोड़ी लीजिएगा, लेकिन मेरे सही बने थे। एक्चुअली में क्या था कि मुझे ना लग रहा था ख़राब नहीं हो जाए, कड़वे से नहीं हो जाए, ज़्यादा हल्दी हो जाते ना थोड़े काले काले से हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ था, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हल्दी थोड़ी रखिएगा, मेरे से थोड़ी मिस्टेक हुई थी,
तो यहाँ पर देखिए मैंने जो ढोकले का पेस्ट था सारा मैंने इसमें रख दिया है। इसमें इस स्टैंड में 3 प्लेट्स निकलती हैं, तो 3 प्लेट्स में क्या है कि आप बड़ा बनाना चाहते हो तो बड़े बनाओ, छोटा बनाना चाहते हो तो छोटा बनाओ, कितने भी बना सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो भी पेस्ट था वो अच्छी तरह से बना लिया है और उंगली की हेल्प से जितना भी पेस्ट उसमें चिपक रहा है वो भी निकाल के लगा दूँगी, क्योंकि फिर रह जाता तो इसका तो कोई यूज़ होने वाला ही नहीं था। तो इसे कम से कम मैंने 15 मिनट उसमें, अब इसका जो स्टैंड था उसमें रख दूंगी मैं, आप लोग देख लीजिए 15 मिनट आपको रखना है। उसके बाद आप चाकू की हेल्प से देखना कि ये बन गया है या नहीं। अगर ये बन जाएगा तो आपके क्या होगा कि चाकू के अंदर चिपकेगा नहीं। तो आप लोग देख सकते हो गर्म था तो मेरे हाथ जलने का डर लग रहा था मुझे, तो मैंने धीरे से इसमें रखा है। तो अब मैं इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और इससे ये जो हमारा ढोकला है वो अच्छी तरह से भूल जाएगा। और उसके बाद मैं चाकू की हेल्प से चेक करूँगी तो क्या होगा ना, चाकू से जो भी है वो पता चल जाएगा। अगर चिपक रहा होगा तो कच्चा है और नहीं चिपक रहा होगा तो पक्का है। और यहाँ पर मैंने ना कढ़ाई में तेल डाल दिया उसके छौंका बनाने के लिए, जब तक कि मेरा वो ढोकला बन रहा है साइड से तब तक मैं छौंका बना दूँगी। तो छौंका बनाने के लिए मैंने डाला है कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल, आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल से, वैसे इसमें तड़का लगाते हैं आपकी मर्ज़ी, आप किसी से भी लगाइए। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल डाला है, उसके बाद मैंने डाली है राई और अब मैं डालूँगी यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च और इसको मैं अच्छी तरह से चला लूँगी जब तक कि ये वाइट वाइट सी ना दिखने लगे, तो मैं इसे चला लूँगी। तो देखिए यहाँ पर पकना स्टार्ट हो गई है, राई भी चटकने लगी है और इसको मैं अच्छी तरह से पकाने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि इसमें डालनी होती है मैं चीनी, क्योंकि चीनी से ही इसमें फ्लेवर आता है मीठा मीठा सा। और आप चाहें तो, मैंने तो स्टार्टिंग में भी डाली थी, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में डाली थी, थोड़ी सी डाली थी जिससे कि इसके अंदर तक फ्लेवर आए। और देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है पानी थोड़ा सा और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा जो बोलते हैं ना, क्या बोलते, चीनी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाला है नमक, नमक ऐड कर दिया है मैंने थोड़ा सा, इस तरीके से है। आप जिस तरह से मैं बना रही हूँ उस तरह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, हो सकता है कि आप लोग अपने तरीके से बनाते हों तो मुझे बताइएगा आप लोग किस तरह से बनाते हैं। मैंने वैसे इंटरनेट पर भी देखा था तो उन्होंने भी इसी तरह से बनाया था। तो यहाँ पर देखिए मेरे जो पानी है उसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए, देखिए आप लोग बिल्कुल पक चुका है वो एकदम अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं धनिया पाउडर, थोड़ी सी मैंने चीनी ऐड कर दी थी वो शायद क्लिप डिलीट हो गई है। और अब मैंने यहाँ पर ऐड किया है नींबू जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, खट्टा खट्टापन जो होता है ना वो चीज़ आ जाएगी। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए, बट मेरे पास था तो मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने धनिया ऐड कर दिए हैं, तो ये मेरे छौंका हो गया रेडी। तो देखिए मैंने जो निकाला था ढोकला उसे मैंने कट कर दिया है, देन उसके बाद मैंने ये जो छौंका बनाया था उसे पूरी तरीके से इस पर डाल दिया है फिलाकर। तो आप लोग देख सकते हो कितना टेस्टी बना है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी उठाकर कि देखिए कितना स्पंजी बना है। थोड़ा सा धनिया और मैं ऊपर से ऐड कर दे रही हूँ, आप चाहें तो मत कीजिए, बस मेरे पास थे तो मैंने ऐड कर दिए हैं जिससे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये बहुत ही स्पंजी मुझे बने थे, मैंने खाए थे बहुत अच्छे लगे थे, आप लोग भी ट्राई करिएगा। और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो, तो यहाँ पर मैंने ली है आलू की सब्ज़ी बनाई थी वो, यहाँ पर मैंने थोड़े से मूली टमाटर और हरी मिर्च वो ली है और रोटी ली है। तो आप लोग भी खा लीजिए, मेरी नेक्स्ट डे का लंच है। मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं करी मॉर्निंग से, तो मैंने सोचा आगे आप लोगों को दिखा दूँ। और आप लोग से ही मैं बताऊं कि कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि लॉकडाउन यहाँ पर खुला है कि नहीं खुला, तो यहाँ पर लॉकडाउन के कुछ नियम हैं, खुल तो गया है लेकिन अगर बोलो ना कि पूरी तरह से मार्केट खुल रहा है या रस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो घर से बाहर निकली नहीं हूँ, लॉकडाउन खुला है या नहीं खुला मुझे तो पता है कि खुल गया है लेकिन मैं बाहर नहीं निकली हूँ, इतना मुझे पता है। तो ऐसा है कि नेक्स्ट डे यहाँ पर हम पोछा वगैरह लगा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक दिशा के चैनल पर वीडियो नहीं देखी है जाकर देख लीजिएगा, वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी तो आप जाकर चेकआउट कीजिएगा। और देखिए यहाँ पर मैंने जो भी है पोछा वगैरह है सब कुछ लगा दिया है, इसके बाद मैं अपना जो आंगन का पोछा है वो भी लगाऊँगी। तो ऐसा ही मेरा दिन जाते हैं, आप लोगों को क्या बताऊं, लोग हंसी बनाते हैं पोंछा लगाना शेयर कर रही हूँ ये कर रही हूँ, बट क्या करें पार्ट है ना, ये डेली व्लॉग शेयर कर रहे तो पार्ट है पोंछा लगाना, तो मैं वो भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ कि मैं किस तरह से अपना घर को मैनेज करती हूँ। और यहाँ पर देखिए दीयू ने क्या हालत कर दी है,
ये देखिए। और मेरे हस्बैंड बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ मेरी बहन के आने से। जीजा साली के कंपटीशन हो गया है, दोनों के दोनों मुझे छेड़ते रहते हैं, मुझे लड़ाई करते रहते हैं। साली के आने के बाद मुझसे लड़ाई हो रही है, लड़ाई के मतलब मस्ती मजाक दोनों ही छेड़ते हैं, क्योंकि मेरी बहन भी मुझे परेशान करने में नंबर वन है। और मेरे हस्बैंड भी आप लोगों को पता है कि वो हाँ मिलाते हैं, उनको पता तो है नहीं है इस तरह से क्या बोलते हैं ये जो मेरा काम है वो हो चुका है। यहाँ पर अब मैं लगाऊंगी आंगन का पोंछा, तो आप लोग भी बताइएगा कैसा लग रहा है। आप दिशा के चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस जस्ट मेरे यहाँ पर पोंछा लग गया है और अब हम लोगों के बिल्कुल मतलब बहन आ गई ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और खुशी खुशी से महसूस होती है, मतलब शांति नहीं रहती। और हम लोग शाम को ना काफ़ी सारे मिलके लूडो खेलते हैं, हम चारों पांचों जने बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। आप लोग भी बताइए कौन कौन लूडो खेलता है, मैं भी खेलती हूँ और मैं मेरा भाई और मेरी बहन इस तरह से हम लोग खेलते हैं और मज़े करते हैं। और एक लूडो एक ऐसा गेम है इंडिया का जो कि बहुत ज़्यादा खेला जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें ऑनलाइन हम लोग घर बैठे बैठे खेल सकते हैं। बचपन में तो हम पास में जो वो लूडो वाला मिलता था वो हम खेलते थे, तो लेकिन उसके बाद हम लोग ऐसा नहीं खेले। तो ऐसा है, हम लोगों ने यहाँ पर पोंछा वगैरह लगा लिया है और उसके बाद हम लोग आगे जो भी काम है वो करेंगे। मैंने नहाना है, जो भी सारा काम होता है वो मैं करूँगी। तो ये वाला ब्लॉग तो मैं यही एंड करूँगी पोंछा वगैरह लगाने के बाद। भाभी नहीं है तो मुझे पोंछा लगाना पड़ता है। और दूसरा नंबर, आप लोग बोल रहे थे ना मेरा पेट कैसे कम हुआ, तो ये पोंछा लगाने से मेरा पेट कम हुआ है। बार बार मुझे लगाना पड़ता है, दिन में 4 बार, क्योंकि बार बार गंदा होता है, बार बार लगाना पड़ता है यहाँ पर ऐसे ही। और इस टब में रखे हैं मेरे कपड़े, मतलब मुझे धोने हैं वो वाले कपड़े यहाँ पर डले हुए हैं। और ऐसा है तो यहाँ पहुँच झाड़ू मतलब कपड़े वगैरह लगाने के धोने के बाद भी मुझे नहाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के कैसी कैसी गर्मी पड़ रही है। और जो मेरे जो सब्सक्राइबर है ओम प्रताप भाई, उनको मेरी कल की बात शायद बुरी लग गई, सो सॉरी। मैं बुरा नहीं बोलना चाहती थी, मैंने मेरे मतलब आपने जो कमेंट करा था उसका मैंने रिप्लाई करा था कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, अभी यहाँ पर सारी शॉप बंद थी 2 महीने से, तो किसी के यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए फिर अच्छा नहीं लगेगा पापा या मम्मी से कोई चीज़ मांगें या कुछ भी करें। तो मैंने वो सिचुएशन आप लोगों के साथ शेयर करी थी और मेरा आप लोगों को कोई हर्ट करना नहीं था और हर्ट हुआ, सो सॉरी। तो यहाँ मैं ब्लॉग एंड करूँगी, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।